आप सभी को देव दिवाली की शुभकामनाएं। हालांकि यह दृश्य आप एक दिन बाद देख रहे हैं। देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को कहते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात यह मास पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। आज जब 16 नवंबर को आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझिए मार्गशीर्ष महीना अर्थात अगहन प्रारंभ हो चुका है। हालांकि अंग्रेजी महीना नवंबर भी ही चल रहा है, 15 से अब 16 तारीख हो गई है और यह शानदार नज़ारे आपके सामने देव दिवाली के हैं। बक्सर के विभिन्न गंगा घाटों के घाटों पर दीप जल रहे हैं, जो नीचे आपको छोटे टिमटिमाती रोशनियां दिख रही हैं, ऊपर दीवारों पर बिजली की सजावट इस पूरे रात के मनोरम नज़ारे को और भी चार चांद लगा रही थी। शहर के नाथ घाट से लेकर बंगला गोला घाट तक हर जगह दीप आपको जलते इस देव दिवाली के दिन दिखे। ड्रोन से और कुछ गंगा के बोट से ली गई यह तस्वीरें हैं जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं, और सामने ऊपर में आपको भगवान चंद्रमा भी दिख रहे हैं। पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है। आप हो सकता है भीड़ की वजह से या काम की व्यस्तता की वजह से गंगा घाटों तक दीप जलाने नहीं गए हों, लेकिन माताओं बहनों ने इस धार्मिक आयोजन का खूब लुत्फ़ उठाया। आज उन्हीं की धर्मानुरागी प्रवृत्ति उनके संस्कारों की देन है जो यह घाट आपको इतने जगमगाते दिख रहे हैं। यह मुख्य समारोह जहां रामरेखा घाट पर होता है, यहां गंगा आरती भी होती है, यह वहीं का नज़ारा है जैसा कि हमने आपको बताया। ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं, टिमटिमाते दीप आप देख रहे हैं, अगल बगल जल रहे हैं और रोशनी से नहाता रामरेखा घाट। यहाँ भीड़ बहुत थी और थोड़ी सी हम शिकायत भी कर ले, सफाई का बेहतर इंतज़ाम नहीं था। नगर परिषद यही हर बार फेल कर जाता है। यह रामरेखा घाट पर जब जो गंगा आरती हो रही थी, यह उसका नज़ारा है, क्योंकि पास में इतनी भीड़ थी, इतने VIP थे, इतने फोटोबाज थे। हालांकि हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, होनी भी नहीं चाहिए। एक अपना समय निकाल कर इन स्थानों पर आना, और कोई भी उत्सव तभी शानदार होता है जब वहाँ लोग जमा होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बधाई देनी होगी। हम लोग दूर दराज से ही अपना काम चला लेते हैं, सामने नहीं जाते। आइए एक बार फिर इस दृश्य को आप देखिए, जगमगाते रामरेखा घाट का यह विशाल परिसर है। और आपको इसके आध्यात्मिक महत्व की जानकारी थोड़ी सी हम दे देते हैं। कार्तिक महीने का नाम भगवान कार्तिकेय के नाम पर पड़ा है। उन्होंने तारकासुर का वध किया था, जिसने तीनों लोक में उत्पात मचा रखा था। उसके तीन पुत्र भी हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। उन लोगों ने भी बहुत उत्पात मचाया और ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी हत्या किसी अभिजीत मुहूर्त में हो और जब हम तीनों एक दिशा में रहें, तब भगवान शिव ने उनका वध किया था। इसी वजह से उनका नाम त्रिपुरारी भी है, महादेव का। कार्तिक माह में दीपदान का भी बड़ा महत्व है। यह दृश्य है रामरेखा घाट पर आरती करते भाजपा के नेता मिथिलेश तिवारी, जो प्रदेश महामंत्री भी हैं और NDA के उम्मीदवार भी थे। हालांकि आध्यात्मिक आयोजनों में वर्षा पांडे भी इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं, उनकी तस्वीर है। और रामरेखा घाट के दो पुजारी जिनके चेहरे हम अक्सर खबर बनाने वाले लोग देख लेते हैं, यह एक बाबा हैं लंबे लंबे जो आरती करते हैं। इनका नाम हमें भी जीवन पर याद नहीं है, लेकिन एक बाबा है जिनका नाम सभी लोग जानते हैं, लाला बाबा। अभी आप इनको देख रहे हैं। जब भी आप किसी पर्व त्यौहार स्नान के मौके पर आप रामरेखा घाट जाएंगे तो यह आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और आपके सामने स्क्रीन पर ऊपर पूर्णिमा का चांद अर्थात कार्तिक माह समाप्त, आज से अगहन प्रारंभ, अब पचकोस की तैयारी और बक्सर के राम विवाह की भी तैयारी। यह बक्सर खबर है, हम आपको अपनी संस्कृति से जोड़ते रहते हैं, इधर उधर की बातें भी बताते रहते हैं, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि बक्सर के लोग इतने समझदार हैं कि हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हमारा अभिवादन।